कि बीजेपी ने पता लग गया कि हमारा जो जिसको हमने टिकट दी है उसकी जमानत जब्त होने जा रही है। अब वो जो दूसरा तीसरा जो तैयार किया गया है कि भाई चिटवी बेरी पटवी बेरी जो बीजेपी ने प्लान तैयार किया है उसको जनता बाखूबी समझ चुकी है, तो इसलिए जनता बीजेपी के बुलावे में नहीं आई। जिस तरीके से हमने सोचा था कि बीजेपी के अंदर एक कैडर बेस पार्टी है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है या फिर उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे हरियाणा में जो टिकटों का वितरण हुआ है टोटल गलत हुआ है, टोटल गलत, और जिसकी वजह से आज बीजेपी पार्टी मुझे लगता है जहाँ पहले से चली थी 5 या 6 सीटों पे जीतती थी, मुझे लगता है दोबारा वहीं पहुंच जाएगी। हिसार की जनता मेरे साथ है तो मैं कोई कंपटीशन नहीं मानता। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आने वाले विधानसभा चुनाव के में अगर हिसार विधानसभा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं हिसार विधानसभा सीट से जो है चुनावी हवा जो है उल्टी और बहने की अग्रसर हो रही है, क्योंकि अगर बात करें हिसार शहर में तो सभी राजनीतिक पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों की भी बात करें तो कुल मिलाकर 28 यानी कि 28 नामांकन जो है हिसार विधानसभा सीट से जो है दाखिल करवाए गए हैं, जिसमें एक प्रमुख चेहरा है हिसार सीट से तरुण जैन का, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हिसार की जो बीजेपी की टिकट वितरण की जो प्रणाली है उससे नाराज़ होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, और उसके बाद आज हिसार के अनाज मंडी के अंदर जो है डोर टू डोर करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी कुछ ही देर में हिसार के अनाज मंडी में उन्हें लड्डुओं से भी तोला जाएगा। इस तरीके से जब अनाज मंडी में उन्हें प्यार और सत्कार मिल रहा है तो देखने वाली बात होगी कि हिसार विधानसभा की सीट के ऊपर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बिना किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार को इस तरीके से मान सम्मान और प्यार मिलना किस ओर इशारा करता है। अभी कुछ देर में जब इन्हें लड्डू से तोला जाएगा उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद तरुण जैन जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस विज़न के साथ उन्होंने अपना जो है निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और किस तरीके के जो भविष्य में उनके प्लान है, किस तरीके से वे हिसार को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, किस तरीके का विजन वो लेकर चलने वाले, तो उस बारे में उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो है अनाज मंडी के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी तरुण जैन को जो है अभी अभी माला पहनाकर सम्मानित किया गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इन्हें लड्डुओं से तोले जलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसी निर्दलीय प्रत्याशी को इस तरीके से मान सम्मान मिलना और तरुण जैन को किस तरीके से जो है आज लोगों का प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, आज इन्हें लड्डुओं से तोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसे नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहां किसी निर्दलीय प्रत्याशी को इतना मान सम्मान और इतना सपोर्ट जो है बहुत कम मिलता है। उसके उलट इस बार हिसार की राजनीतिक हवा कुछ और ही कहती हुई नज़र आ रही है। इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस से के ऊपर की अगर बात करें तो एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तरुण जैन के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है ये कहीं ना कहीं ने आश्वस्त करती है। देखिए ये प्यार है मेरे परिवार का जो मेरे साथ है, और मैं इसका ऋण कैसे उतर पाऊंगा यही मैं सोचता रहता हूँ। और लेकिन मैंने सोच रखा है जब 5 साल मुझे मिलेंगे तो मैं तन मन धन के साथ अपनी जनता का अपने परिवार की सेवा करूंगा। रिवाज भी होता है ना कि पहले से जो है लोग जो है इस तरीके से खुशी का माहौल होता है तो बोलते हैं, और ये क्या अभी तक क्या कुछ होता है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि सब इतना आज प्यार देने का यहाँ पर प्रोग्राम किया हुआ है कि लड्डू से तोलेंगे, तो मैं तो आज मंडी में नहीं, अनाज मंडी में बिना मैसेज के हम आए थे, मेरे बल्कि साथियों ने बोला कि फोन कर देते हैं, तो पता नहीं अब किस साथी ने कहाँ क्या बोला है, तो उसके बाद ही ये प्रोग्राम इन्होंने बनाया होगा जो मुझे लगता है। लेकिन मेरे को मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हिसार की जनता का भरपूर प्यार मेरे साथ है। तरुण जैन के सामने कई राजनीतिक पार्टियां खड़ी है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां खड़ी है, उसके बावजूद एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतना मान सम्मान मिला, आज लड्डू से आपको तोला गया है, तो क्या लगता है कि अब दिल्ली कितनी दूर है? देखिए मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि जो जनता के अनुरूप जो कैंडिडेट नहीं होता है ना,
तो वो कैंडिडेट ना उस कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है। तो अभी जो बीजेपी ने जो गेम प्लान किया है हिसार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हिसार के लोग मूर्ख नहीं है, बड़ा सोच समझ के अपना वोट देंगे और अपना वोट अपने भाई अपने बेटे को देंगे जो उनके बीच में ये वादा कर रहा है कि 2400 घंटे उनके बीच में रहेगा। और मैं कोई बड़ा वादा, कोई बड़ा सपने है उनको किसी को नहीं दिखा रहा, कोई मेरे को बोल भी रहा है तो मैं उनको यही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये काम करना चाहता हूँ कि आपके बीच में रहना चाहता हूँ। इससे पहले अभी तक आप बीजेपी के पिंजरे में कहते हैं, बीजेपी के पिंजरे से आजाद हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि पूरा आसमान नाप देंगे, क्या हिसार की जनता आपको इसी तरीके से प्यार देती रही? देखिए ये बात आपकी सच है कि जिस तरीके से हमने सोचा था कि बीजेपी के अंदर एक कैडर बेस पार्टी है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है या फिर उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जितना मेरे को समझ में आया पूरे हरियाणा में जो टिकटों का वितरण हुआ है टोटल गलत हुआ है, और जिसकी वजह से आज बीजेपी पार्टी मुझे लगता है जहाँ पहले से चली थी 5 या 6 सीटों पे जीतती थी, मुझे लगता है दोबारा वहीं पहुंच जाएगी। तरुण जैन किस विजन और मिशन के साथ हिसार की जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? मेरा जो मिशन और विजन जो है यही है कि मैं हिसार की जनता के अगर बीच में रहूंगा तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनके एरिया की जो समस्याएं हैं, उनको समझ पाऊंगा, सुन पाऊंगा, और उसके बाद फिर चंडीगढ़ से या सरकार से या प्रशासन से जैसी भी जो भी मदद होगी करवा के ही दम लूंगा। कोई कंपटीशन भी मानते हैं अपना हिसार? नहीं, मैं हिसार में जब हिसार की जनता मेरे साथ है तो मैं कोई कंपटीशन नहीं मानता। कुछ लोगों से सुनने में आया है कि तरुण जैन तो 2-3 हजार के वोटों में निपट कर रह जाएंगे, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए ये मानसिकता हो सकती है, मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों की ऐसे लोग भी होंगे हमारे हिसार में, लेकिन उन लोगों को 8 तारीख को जवाब मिल जाएगा कि हिसार की जनता ने तरुण जैन को कितना प्यार दिया, कितना आशीर्वाद दिया। गेम प्लान हिसार की जनता भाई साहब समझती है कि बीजेपी ने पता लग गया कि हमारा जो जिसको हमने टिकट दी है उसकी जमानत जब्त होने जा रही है, अब वो जो दूसरा तीसरा जो तैयार किया गया है कि भाई चिटवी बेरी पटवी बेरी जो बीजेपी ने प्लान तैयार किया है उसको जनता बाखूबी समझ चुकी है, तो इसलिए जनता बीजेपी के बुलावे में नहीं आएगी। अगर तरुण जैन चुनावों में जीत जाते हैं तो क्या निर्दलीय ही रहेंगे या किसी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो हरियाणा के अंदर बीजेपी का तो नहीं है, और रही बात मैं हिसार की जनता के कामों के लिए, मैं सरकार से मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, लेकिन सरकार के काम करवा जनता के काम करवाने के लिए जो मेरी हर कोशिश होगी मैं मुमकिन कोशिश करूंगा। बीजेपी का आपने नाम लिया तो क्या बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी पर भी जा सकते हैं आप? नहीं देखिए अभी तो सिर्फ ना हिसार की जनता के साथ हूँ मैं, और हिसार की जनता का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है। मेरा जो फोकस है अभी हिसार के लोगों के साथ जीना मरना, उनके सुख दुख में रहना और उनके साथ रहना। कितना किलो का लड्डू जो इसमें होने वाला है तो कहीं ना कहीं 80 किलो का एस्टिमेट हम लोग लेकर चल रहे थे, 75 आपका एस्टिमेट लगभग सही था। आपने किस तरीके से अभी अभी निर्दलीय प्रत्याशी तरुण जैन को लड्डुओं से तोला गया और करीब करीब 80 किलो वजनी लड्डुओं से जो उन्हें तराजू पर बिठाकर तोला गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस है वो तरुण जैन के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अच्छी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया, तो उन्हें पता है कि बीजेपी का जिस जो भी कार्य करने का तरीका है उसमें क्या अच्छाई है या बुराई है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हिसार की जनता उन्हें मौका देती है कहीं ना कहीं हिसार विधानसभा सीट से जितवाती है तो उनके पास पूरा गेम चेंज प्लान है किस तरीके से वो हिसार की दिशा और दशा बदल सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस जो है आज हमें तरुण जैन के चेहरे पर देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह है कि 5 अक्टूबर को जो जनता है किस प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबाकर उसे जीत की ओर अग्रसर करती है, और 8 अक्टूबर को कौन सा प्रत्याशी जीत का चेहरा अपने सिर के ऊपर सजाता है। आपने पूरी बात सुनी, आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।